नहीं गलत क्यों रूडी साहब, थैंक यू रूडी साहब, आपकी बात मान ली है प्लीज। अमरिंदर सिंह ब्रादर्स प्लीज सर। सभापति मैं थोड़ा धन्यवाद करना चाहना कि तुसी आज मैनू इस सदन विच राष्ट्रपति दे भाषण ते बोलन दा मौका दिता। भाई आप रूडी साहब, मैं उस धरती तो आना है जिस धरती तो जिहड़ी धरती गुरुआ गुरुआ पीरा पैगंबरा की धरती है, जवाना की धरती है ते किसाना की धरती है। ते मैं अपने भाषण देने तो पहला साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का वो जिहड़ा फरमा दिता फरमान, दे अशिवा वर मोहे एह शुभ कर मन ते कब हूं ना टरूं, ना टरूं हर सो जब जाए लरूं, निश्चय करे अपनी जीत करूं। सच्चे पातशाह दा ए फरमान दे नाल मैं अज इस लोकसभा च बोलन लगे। सभापति मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कहा कि मैं गुरुओं की धरती और जवानों की धरती और किसानों की धरती से आता हूं। जवानों की बात आज हमारे आदरणीय राहुल गांधी ने की है, हालांकि विपक्ष द्वारा उसको घुमाने का काम किया, लेकिन राहुल गांधी ने एक बात कही कि अग्निवीर को शहीद का दर्जा इस देश में मिलना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं सभापति साहब, कभी कभी तो मेरे को लगता है कि पंजाब को यह हिंदुस्तान की सरकार भूल गई है। कभी कभी मेरे को यह भी महसूस होता है कि शायद हम हिंदुस्तान के कहीं किसी नक्शे में हैं या नहीं, जिस प्रकार से हमारे सरकार का हमारे पंजाब के लोगों की तरफ व्यवहार है, ऐसा हमें महसूस होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं सभापति साहब, जब हिंदुस्तान के देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले पर झंडा लहराते हैं, और मैं गर्व से कह सकता हूं कि उस झंडा लहराने में पंजाब के हजारों नौजवान लोगों ने अपनी शहादत दी है, ये अवसर इसलिए प्राप्त हुआ है सभापति साहब। मैं कहना चाहता हूं सभापति साहब, मैं अपने किसान की बात करना चाहता हूं। पिछले 1.5 साल से सभापति साहब, पंजाब का किसान, देश का किसान, आज बड़ी बड़ी बातें की गई, आदरणीय मंत्री महोदय कहे कि हमने एमएसपी दिए, एमएसपी आपने दिए। 1967 में कांग्रेस की सरकार ने किसान के लिए एमएसपी दिया था, जब देश भूखा मर रहा था, तो पंजाब के लोगों ने, इन किसानों ने, देश के किसानों ने देश के लोगों का पेट भरने का काम किया। आज कोई आसान नहीं कर रहा कि हम उनको एमएसपी दे रहे हैं। किसान लीगल गारंटी मांगता है सभापति साहब, एमएसपी की लीगल गारंटी। आपको मैं बताना चाहता हूं, 700 किसान पंजाब का शहीद हुआ, और मेरी एक आदरणीय हमारी सांसद ने उन किसानों की मां के बारे में यह कहा कि ये तो 100-100 रुपए पे भाड़े पे लाए हुए लोग हैं। मेरे को शर्म आती है इस बात की, वो किसान, और आज वो किसान दिल्ली के बॉर्डर अपनी बात सुनाने के लिए दिल्ली आना चाहता है। क्या दिल्ली देश से अलग है? क्या दिल्ली में पंजाब के किसान नहीं आ सकते? हमें हरियाणा के बॉर्डर पर रोककर हमारे पर गोलियां चलाई जा रही हैं। हजारों लोग किसान हमारे वहां पर इंजर्ड हुए और कईयों की मृत्यु हो गई, मौत हो गई है। लेकिन किसान की लेकिन सरकार की तरफ से गर्मी है, 45-47 डिग्री में बैठा किसान चीख चीख कर पुकार रहा है कि हमें एमएसपी की लीगल गारंटी दो, हमने दिल्ली जाना है। लेकिन उनको आदेश है हरियाणा की पुलिस को, ये देश के गृह मंत्री के द्वारा दिया गया हो देश, कि पंजाब का अगर कोई व्यक्ति दिल्ली की तरफ किसान मुंह करेगा तो गोलियों से
उसको मार दिया जाएगा, ऐसा हमारे साथ व्यवहार हो रहा है सभापति साहब। ये हालात है। आप कहते हो किसानों को, आपने किसान निधि योजना में आपने बड़ा कोई इनकलाब खड़ा कर दिया। आपने कहा कि 3,20,000 करोड़ लोगों को हमने 20,000 करोड़ दिया है किसान निधि योजना के तहत। मैं पंजाब की बात बताना चाहता हूं, आंदोलन के बाद हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ। 2019-20 में 23 लाख लोगों को किसान निधि योजना का फायदा मिलता था। जब हम आंदोलन किया, सरकार को काले कानून जो 3 बने थे वो सस्पेंड करने पड़े, वापस नहीं लिए, तो इन्होंने कहा कि आप इनकी निधि योजना बंद करो। 2023 और 24 में, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, फ्लोर ऑफ द हाउस, 8,56,000 लोगों के किसान निधि योजना से नाम काट दिए गए। ये छोटी बात नहीं है। पर कहा गया कि इनके कागज इनकम्प्लीट थे, इसलिए हमने इनके ये खाते काट दिए गए। तो पहले आपने कैसे दे दिए।